टू शुभम टेक डीएस कॉलेज की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है। ये अपडेट केवल उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के फॉर्म भरे थे। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने एक गलती कर दी थी कि फॉर्म को ऑनलाइन भरने में अपने जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन ढंग से अपलोड नहीं करे थे। तो उसी के रिगार्डिंग एक ये नोटिस है जो कि धर्म समाज कॉलेज ने जारी किया है। इससे पहले सेम एक और नोटिस जारी किया था जिसमें स्टूडेंट की लिस्ट थी, बट अभी क्या हुआ था, रक्षाबंधन आ गया और बीच में 15 अगस्त आ गया, तो स्टूडेंट वाली जो दिक्कत थी वो सही नहीं कर पाई। इसलिए यूनिवर्सिटी कॉलेज ने आज की आपको मौका और दिया है 16 अगस्त का दोपहर में 3 बजे तक। तो कुछ स्टूडेंट ने क्या किया कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने थे वो सही तरीके से अपलोड नहीं करे, जैसे कि आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, तो आप सारे लोगों को वो लॉग इन करके द्वारा अपलोड करने होंगे। तो इस रिगार्डिंग आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी नोटिफिकेशन आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो ये नोटिफिकेशन है, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। अब देखिए, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 16 अगस्त यानी आज तक दोपहर में 3 बजे तक आपको ये सारी जो थिंग्स हैं वो अपलोड करनी है, जो भी आपके फॉर्म में दिक्कत है वो आप कैसे करेंगे। उसके लिए आपको क्या है, डीएस कॉलेज की वेबसाइट पर आना है और क्लिक करना है ऑनलाइन एडमिशन। जैसे आप ऑनलाइन एडमिशन में आएंगे, यहाँ ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट लॉगिन, कैंडिडेट लॉगिन पर आएंगे। अब आपको यहाँ यूजर नेम डालना है, यूजर नेम आपका एप्लीकेशन नंबर है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। देन आप अपना जो फॉर्म है उसमें लॉगिन कर पाएंगे, देन उसे एडिट कर पाएंगे। सो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से डीएस कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे क्या कि नेक्स्ट टाइम मैं आपकी वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।